ये सुचित्रा कृष्णमूर्ति ऐसी कवई है, ये दारू पीने वाले लोग, इनको क्या पता है कि अजान का महत्व क्या है? और इनको अजान जो हमारी सिर्फ एक मिनट की भी नहीं होती उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। तब सुचित्रा कृष्णमूर्ति की नींद कहाँ गई थी? जब अखलाक को मारा जा रहा था तब तो उनकी नींद में खलल नहीं आया। तब उनकी नींद कहाँ गई थी? जब जुनैद को रस्ते पे मार के फेंक दिया गया था ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे, तब तो उन्होंने आवाज नहीं निकाला। तो इस तरह की जो गवई है छोटे मोटे, ये पब्लिसिटी के लिए अगर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं तो सरकार को भी सख्त कायदे बनाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, सख्त कार्रवाई करो। जिनको अगर पब्लिसिटी चाहिए तो इनको जेल भेजो, वहां इनको अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। लेकिन इस तरह से बात करके एक समुदाय का दिल दुखा के, एक समुदाय के सेंटीमेंट्स को हर्ट करके क्या साबित करना चाहती है गवई ये लोग? अरे इनके गाने सुन सुन के हमारे कान दर्द हो गए, इतने फालतू गाने इनके, और आज आकर ये बोल रहे हैं कि अजान की वजह से इनको डिस्टर्बेंस हो रहा है। अरे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप देश छोड़कर चले जाइए, नेपाल की तरफ चले जाइए, वहां पे आपको सुकून मिलेगा। अगर आप जागे हो तो उस वक्त भी जागिए जब गरीबों पे और मजलूमों पे जुल्म होता है, उस वक्त भी आप आवाज करिए, उस वक्त भी आप ट्वीट के जरिए अपना शोक जताइए। सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए किसी एक समुदाय को टारगेट मत कीजिए। सरकार को सख्त से सख्त इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे से कोई भी पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकत न करे। और मैंने इनको लेकर एक बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए बयान दिया है, इनकी तरीके से सवाल उठाया, ऐसी भाषा को आप जायज कराते या क्या कहेंगे? देखिए मैं किसी भी लेडी के चरित्र पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, हमारी माँ बहने भी है, मगर जिसने भी इस तरह का विवादित बयान दिया है अजान को लेकर सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, तो मैं उनसे साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि लिहाजा आप ये बंद करिए, वरना इससे ज्यादा आपको पब्लिसिटी जेल में जब जाओगे आप तब मिलेगी। इस तरह के विवादित बयान देकर आप किसी धर्म के लोगों की भावनाओं के साथ न खेले, और आपको इतना ही शौक है तो आप आवाज उठाएं तब भी जब मजलूमों पे दलितों पे जुल्म होता है, जब गाय के नाम पे लोगों को काटा जाता है, मारा जाता है, रस्तों पे फेंका जाता है, उस वक्त भी आप आपकी आवाज उठाओ ना, उस वक्त भी ट्वीट करो। नहीं करोगे आप ट्वीट, लेकिन बस आपको किसी भी एक समुदाय को टारगेट करना है तो आप ट्वीट करोगे। अगर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे से इस तरह की बयानबाजी बंद हो और एक समुदाय के लोगों को आसानी के साथ जीने का ज्ञान मिले, और किसी औरतों को जाना चाहिए बिहार कर नेपाल के बाहर भेजो इन लोगों को, तब इनको समझ में आएगी कि क्या होता कायदा का।